नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 8 ट्रैक्टर भागे 100 फीट गहरे गड्ढे मिले। रेत उत्खनन पर प्रतिबंध होने के बावजूद भिंड जिले में अवैध उत्खनन की घटना आई सामने। मंगलवार की शाम को भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव को एक मुखबिर ने इस बड़े मामले की सूचना दी। मुखबिर ने शर्त लगाई कि यदि कलेक्टर खुद मौके पर पहुंचेंगे तो रेत का अवैध उत्खनन का खेल पकड़ा जा सकेगा। इसके बाद भिंड कलेक्टर ने सूचनाकर्ता को आश्वासन दिया और स्वयं मौके पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि भिंड में खनिज विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर इन दिनों सवाल उठ रहे हैं। जिले के खनिज अफसर दिनेश डुडवे और इंस्पेक्टर देवेंद्र पाटले को अवैध उत्खनन की सूचना मिलने पर मामला बिगड़ जाता है, इसलिए अब लोगों का विश्वास उठ गया है। ऐसा ही मामला हुआ मंगलवार की शाम को। असवार थाना क्षेत्र के गिरवास गांव में अवैध रेत का उत्खनन जोरों पर चल रहा था। ये सूचना मुखबिर ने भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव को दी। इस पर कलेक्टर ने खनिज टीम को तुरंत भेजने का आदेश दिया। मुखबिर ने खनिज पुलिस और रेवेन्यू टीम की हकीकत बता दी। इसके बाद मुखबिर ने कलेक्टर से स्वयं मौके पर पहुंचने की गुजारिश की। इसके बाद कलेक्टर ने रात के करीब 10:30 बजे रेत खदान पर छापेमारी की। भिंड कलेक्टर ने कार्रवाई कर पकड़ी पोकलेन मशीन। रात के करीब 9:15 बजे भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने खनिज विभाग के अफसरों को बुलाया। इसके साथ ही लहार SDM नवनीत शर्मा से चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर श्रीवास्तव ने मुखबिर को अपने वाहन में बैठाया। सभी अफसरों को असवार थाना क्षेत्र में होते हुए गिरवासा रेत खदान पर पहुंचा। यहां प्रशासनिक अफसरों के वाहन को देखकर रेत माफियों में हड़कंप मच गया। पोकलेन मशीनों को छोड़कर भागे चालक। इस दौरान मौके पर 10 से 15 लोग मौजूद थे। वहीं 9 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत भरने के लिए खड़े थे। रेत का अवैध उत्खनन 3 पोकलेन मशीनों से किया जा रहा था। कलेक्टर समेत खनिज व पुलिस को देखकर 8 ट्रैक्टर चालक मौके से भाग निकले। वहीं पोकलेन मशीन को बंद कर चालक भागे। इसके बाद मौके पर कार्रवाई की गई। 3 पोकलेन मशीन और 1 ट्रैक्टर जब्त किए जाने की कार्रवाई की गई। इस कदम के बाद भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने सामने आई अवैध रेत के उत्खनन के मामले को सख्ती से देखा। कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनके खनन उपकरण जब्त किए गए। इसके परिणाम स्वरूप भिंड जिले में अवैध रेत खदानों के खिलाफ कार्रवाई की गई और वहां के अधिकारियों ने इस मामले को समझाने और सुनवाई करने का काम किया। यह घटना दिखाती है कि अवैध खनन और रेत के अवैध उत्खनन का मुकाबला करने के लिए स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के सहयोग की जरूरत है। इस घटना से स्पष्ट होता है कि सख्त कार्रवाई करने और अवैध खनन को रोकने के लिए जानकारी और सुनवाई की जरूरत है, ताकि समुद्री संसाधनों की सुरक्षा और वनस्पतिक और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण संभव हो सके। इस प्रकार स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के मिलकर कठिनाइयों का समाधान ढूंढने में मदद कर सकते हैं और समाज में जागरूकता फैला सकते हैं कि समुद्री संसाधनों की सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।